चलो दूध पियो। नहीं चाचू, ताकत कैसे आएगी? और नहीं, मम्मी खत्म करती रहती हो। ये तुम्हारे लिए एयरफोर्स से कॉल लेटर कब आया? सुबह ही आया भैया। कमाल है भाई, तुमने कब तय किया, कब एप्लीकेशन भर दी, हम लोगों को बताया तक नहीं, और ये अचानक एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला कैसे कर लिया? भैया अचानक कहाँ किया है, आपको तो पता है मुझे बचपन से शौक है एयरफोर्स में जाने का। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे एतराज हो सकता है क्या? तू वहां जाएगा और पहुंच कर मुझे फोन करेगा। यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ ओके भैया, कॉलेज आ रहा हूँ। बाय बाय। क्यों रे, किसका सपना पूरा करने जा रहा है तू, अपना या किसी और का? और किसका भाभी? काजल का। और किसका? वैसे तूने उसे कह तो दिया ना कि तू उसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। हाँ भाभी, एक बार कहा तो था। तू भी मुझसे शादी कर ले काजल। नेवा। क्यों? वो देख कितनी लकी लड़की है, उसका हस्बैंड एयरफोर्स में काम करता है, उसे रोज प्लेन में घुमाता होगा। तो मैं भी तुम्हें घुमाऊंगा ना, बड़े होने के बाद। बड़े होने के बाद ही ये बात करना, चुपिर। राज, राज। तो फिर क्या जवाब दिया काजल ने? किस बात का भाभी? उफ़, मैं पूछ रही थी, तूने उससे अपने दिल की बात कही या नहीं? अरे क्या बताऊं उसे अपने दिल की बात, सब कुछ तो पता है उसे, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कब गुस्सा आता है, कब प्यार आता है, कब नींद आती है, सब कुछ तो पता है उसे। बस भाभी सिर्फ प्रपोज करना बाकी है। और कब करेगा तू वो? करूंगा, जिस दिन मैं पायलट बन जाऊंगा उस दिन करूंगा। उसे अपने प्लेन में बिठा के 30,000 फीट ऊपर ले जाऊंगा, बादलों के बीच में। वहां जाके मैं उससे कहूंगा कि तुम मुझसे शादी करोगी काजल? हाँ भाई हाँ, क्यों, क्या कानाफूसी चल रही है? अरे कोई कानाफूसी नहीं। जरूर मेरे बारे में बात चल रही होगी। नहीं नहीं, मैं तो भाभी से कह रहा था कि I don't care। जरा बाहर आ जा फटाफट, तुझसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ तुझसे, और वो भी प्राइवेट में। स्टूपिड, चलो। एक्सक्यूज मी भाभी, तू गिरता जा। चाचू का भी बस कमाल ही है, कहते कुछ है करते कुछ है और होता कुछ और ही है। चुप कर, ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा, मुझसे पूछे बगैर एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर लिया? काजल ये तो बचपन में ही तय हो गया था। फिर भी पूछना तो था। अच्छा तुमने पूछा था मुझे जब प्ले ज्वाइन किया? प्ले करने के लिए मुझे तुमसे दूर थोड़ा जाना था। कब लौटोगे? 1.5 साल बाद। 1.5 साल? नहीं नहीं, 3 महीने में वापस आ जाओ। 3 महीने में तो साइकिल चलाना नहीं सीखूं, प्लेन कहाँ से चलाऊंगा? ठीक है 4 महीना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 1.5 साल लगेंगे, 1 दिन भी कम नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूंगी अकेली? क्या करोगी, क्या तुम मुझे मिस करोगी, चिट्ठी लिखोगी और थोड़ा बहुत रो भी दोगी? रोएगी मेरी जुत्ती। अच्छा सुन, जब तू प्लेन उड़ाना सीख लेगा ना तो मुझे एक फोन करेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। और तू कैंटीन के ऊपर से प्लेन उड़ाना ताकि मैं वेव कर सकूं, ठीक है? काजल ये प्लेन है, कोई पतंग नहीं है जो मैं कैंटीन से छत से उड़ाऊंगा। शट अप, प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। अब चले, चलो। सुनो। हाँ बोलो। अपना ख्याल रखना, खाना पीना भी वक्त पे करना, और इतनी भी मेहनत मत करना कि तुम कमजोर हो जाओ, और जल्दी से वापस लौट आना। ओके? अभी तो मैं गया भी नहीं हूं और अभी से रोना शुरू। स्टूपिड। Hi officer. Hello. Can you check it please? Yeah. Raj Malhotra, Raj Malhotra, room number 18. Please sign here. तेरे मुहावरे बिना यार। Hey, new entrant? Yeah, that's right. Hi. Raj Malhotra. Rarak. Mandeep. Raj. Hi. Rocky. Raj. Room number 18. 18? Man, I'm your room partner. What are you saying? I'll show you. Come on. Mercator may be considered as an extreme case of a cone having an apex angle of 0 degrees to the value 1 on polar stereograph, which may be considered the other extremity. Thank you.
was the flight? Yeah, it was okay. एक और एक लड़का टीचर से कहता है, टीचर टीचर जो चीज मैंने नहीं की उस पे आप मुझे पनिश कैसे कर सकते हैं? नहीं बेटे बिल्कुल नहीं कर सकते. क्या चीज नहीं की आपने? होमवर्क नहीं की मैंने. राज, राज, hey! राज को एयरफोर्स ज्वाइन किया अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं. हाँ. इतनी जल्दी प्लेन नहीं उड़ा सकता समझे. अबे छोटा था जब से तब से प्लेन उड़ा रहा है. और नहीं तो क्या. और नहीं तो क्या. उसको सीखने को टाइम नहीं लगता. He's very intelligent. हाथ का चल. ए राज, ए राज, गुलाटी खाना. गुलाटी. ए गुलाटी, गुलाटी एयरफोर्स में नहीं चलती. अरे अभी तो उसे जहाज के पास पटकने भी नहीं देंगे समझे. क्या मतलब है तेरा? तू क्या जानता है राज के बारे में? राज के बारे में नहीं लेकिन एयरफोर्स के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ. अच्छा? क्योंकि मेरे अंकल एयरफोर्स ऑफिसर है समझे. इन्हीं हरकतों के कारण तू पिट गया उस दिन राज के हाथ. आज मेरे हाथों पिटेगा तू. जचराना भाभी. लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करने वाली. पिछले 2 महीनों से मैं पागलों की तरह तुझे कांटेक्ट करने लगी हूँ. जवाब तक नहीं दिया. क्यों क्यों कहाँ से जवाब देता? 2-3 महीने बेस में नहीं था. बेस में नहीं थे? कहाँ थे तुम? वो बॉर्डर लाइन पे उड़ान भर रहा था. एक्साइटिंग. न खाया न पिया न किसी बात का होश. एक्साइटिंग. और जो जरूरी बात मुझे तुमसे करनी थी उसका क्या? वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है. तो कहो बको. सबके सामने. You're right. चलो. अरे उसे कहाँ ले जा रही है? अभी अभी तो आया. कपड़े बदल ले रहे. कुछ खा भी नहीं. अभी इमरजेंसी है. तू चल अंदर मेरे साथ. अरे मेरी यूनिफॉर्म की टाई खराब. अरे यार ये बैट को संभालो. अब कहो क्या कहना था. पहले तुम कहो. नहीं पहले तुम. नहीं पहले तुम. राज मुझे लगता है हम दोनों ने एक ही बात बोली. एक काम करो पहले तुम बोलो. बिकॉज लेडीज फर्स्ट. कम ऑन. ओके लेकिन मेरी बात जरा लंबी है. ओके मैं सो जाता हूँ. राज ओके ओके सारी उम्र पड़ी है सोने के लिए. बोलो. अच्छा बहुत ही मजे की बात है और इतनी अजीब कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा. अभी शिमला में हम लोगों ने शो किया था ना 2 महीने पहले. तभी की बात है. क्या हुआ कि द शो वाज अ ग्रेट सक्सेस और शो के बाद हम लोगों ने क्या नाचा गाया धूम धड़ाका मचाया. और फिर जो मैं घोड़े बेच के सोई तो अगले दोपहर जब आंखें खुली मैंने देखा कि सब लोग मुझे छोड़ के चले गए. वैन वालों ने सोचा मैं बस में हूँ. बस वालों ने सोचा मैं वैन में हूँ. और इसी कंफ्यूजन में मैं वहीं रह गई. और यार उसी दिन अगला शो था मनाली में. मेरे तो होश ही उड़ गए. मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूँ. कि तभी मैंने देखा कि होटल के लॉन के सामने एक हेलीकॉप्टर रुका रहा है. Excuse me. Yes, ma'am. ये चॉपर किसका है? मिस्टर करण सिंघानिया का. आ, क्यों? नहीं बस यूं ही. थैंक यू. हेलो कैप्टन. यस मेरा नाम काजल है. मैं आपकी बॉस की दोस्त हूँ मिस्टर करण सिंघानिया की. प्लीज टू मीट यू मिस काजल. एक्चुअली करण और मैं साथ मनाली जाने वाले थे. मैं शो कर रही हूँ वहाँ पे. वो शो का चीफ गेस्ट है शायद आपको पता हो. जी हाँ. तो आप रुकने वाले हैं या? जी नहीं मैं दिल्ली जाने वाला. तो मनाली रास्ते में है. आप मुझे छोड़ के चले जाइए. देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता. अगर मेरे बॉस को मालूम पड़ा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है. What rubbish. तुम उसकी फिक्र मत करो. मैं करण से बात कर लूंगी. लेकिन मिस काजल वो. अरे उल्टा तो तुम्हें खुश होना चाहिए. मैं करण से आपकी सिफारिश करूंगी. यू कुड गेट प्रमोटेड. ठीक है? ठीक है. ओके सो आई ब्रिंग माय लगेज. वेट हियर. भागना मत. नहीं भागूंगा. और मजे की बात तो ये है कि मेरा ब्लफ काम कर गया और मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर मनाली के लिए रवाना हो गई. लेकिन रास्ते में क्या देखती हूँ कि वो पायलट मुझे तिरछी नजरों से देख रहा है. कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया लेकिन फिर मैंने झाड़ दिया. क्यों पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. फिर क्या हुआ? मनाली पहुँचते ही मैंने उस कमल की ठुकाई की. कमल कौन? अरे वही जिसकी पैंट उतार के तुमने पीटा था. अच्छा लेकिन असल मजे की बात कुछ और है राज. गेस अवार्ड फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन? कौन? करण सिंघानिया. वो हेलीकॉप्टर का ओनर? अरे वो ओनर ही हेलीकॉप्टर का पायलट निकला. क्या बात कर यार राज मेरे तो होश ही उड़ गए. जब ऑर्गेनाइजर ने उसे स्टेज पर बुलाया और वो सामने आकर खड़ा हो गया
मिस काजल, इस प्ले की डायरेक्टर भी यही हैं एंड आवर चीफ गेस्ट मिस्टर करण सिंह हानी। आई होप आप मेरी सिफारिश मेरे बॉस से जरूर करेंगे। मिस्टर ईश्वर सिंघानिया, दिस इज फाउल, एब्सोल्यूट ब्लेटेंट फाउल। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप ये नहीं बता सकते थे कि आप ही करण सिंघानिया हैं? आपने बोलने का मौका कहाँ दिया? मतलब मैंने आपके मुंह पे टेप चिपकाया था क्या? ओह माय गॉड, और मैं तो ये समझ रही थी कि आपने मुझ पर एहसान किया, लेकिन दिली दिल में आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि एनीवे फॉरगेट इट, आई एम सॉरी कि उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला। अरे झूठ कहाँ बोला, द फैक्ट इज कि आप तो दोस्त बन गई हैं करण सिंघानिया की। क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? क्या मैं आपको वापस शिमला छोड़ सकता हूँ? जी नहीं, मैं शिमला वापस जा ही नहीं रही हूँ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ देहरादून। वो तो रास्ते में ही पड़ता है। Really? और वाकई करण मुझे यहाँ तक छोड़ने आया, और जब हमारा हेलीकॉप्टर ग्राउंड पे उतरा तो सारे के सारे लड़के दौड़ आए, मनजीत, अनुराग, रमन, और सारे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। और जब मैंने करण से थैंक यू कहा तो उसने कहा, अरे यहाँ तक पहुँचाया है, कप कॉफी भी नहीं मिलाओगी। तब हमने मंजीत की साइकिल ली घर वापस जाने के लिए। यहाँ तो बड़ा रुआब है तुम्हारा। और नहीं तो क्या, सब दोस्त है मेरे। इनमें से कोई खास दोस्त भी है? है ना, लेकिन अभी वो एफओएस की ट्रेनिंग के लिए गया है, राज नाम है उसका। हाँ, राज। He's my best friend. बचपन से दोस्ती है हमारी। He's a great guy. So simple and so unassuming. बहुत चाहता है मुझे, जान छिड़कता है मुझ पे। जब हम घर पहुँचे तो मम्मी पापा तो हक्के बक्के रह गए करण को देखकर। करण ने भी सबका दिल जीत लिया, वो सबको बहुत प्यार से मिला। उसने बीजी, मम्मी, पापा सबके पाँव छुए, और तो और जीआई जो के भी। बीजी के घुटनों के दर्द के लिए उसने आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बताई, डैडी के कैंटीन के लिए लेफ्ट ओवर से बनने वाली एक इटालियन रेसिपी बताई, और मम्मी के साथ तो किचन में घुस के खुद पतोड़िया बनाई। ये लीजिए अंकल। वाह बेटे वाह, इतने सालों से मैं पता ही नहीं चला कि घर के बाहर इतनी अच्छी पत्तियाँ उगती हैं। पकौड़ियों के लिए? पतौड़ियों के लिए। हाँ हाँ पकौड़ियों के लिए। अरे नहीं आंटी, पतौड़ियों के लिए, पत्तों से बनाए वो वर्ड पतौड़ी। और फिर करण के इनविटेशन पे पापा उनके घर भी जाकर आए। जब वापस लौटे तो बोले कितने बड़े लोग, लेकिन कितने भले और कितने सीधे, यकीन ही नहीं हुआ। और फिर एक दिन ना राज, करण मुझे अपने साथ फ्लाइंग क्लब ले गया, जहाँ उसके सारे जहाज लाइन में खड़े हुए थे। बोलो कौन से जहाज में बैठोगी? वो रेड वाला क्या कहलाता है? वो सेसना 172। उसी में। चलो। वो मुझे उसी बड़े जहाज में बिठाकर बादलों के पार उड़ा ले गया। क्या नजारा था, तुम सोच भी नहीं सकते। सच राज, मैंने पहले कभी ऐसे बादल नहीं देखे थे। और फिर उसने कहा, काजल, Will you marry me? तो काजल तुमने क्या कहा? क्या कहती? मेरा दिल धक 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 कर रहा था। सच, उस वक्त तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने सोचा काश मेरा राज यहाँ होता तो मैं उससे पूछ के फौरन जवाब दे देती। मैंने करण से भी यही कहा। क्या कहा? ये राज से पूछे बगैर मैं हाँ या ना नहीं कह सकती। काजल अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम करण से शादी नहीं करोगी? नहीं करूंगी, प्रॉमिस। लेकिन तुम एक बार उससे मिल तो लो, बहुत अच्छा लड़का है, तुम मिलोगे तो ना कह ही नहीं पाओगे सच्ची। अच्छा मैंने तो तुम्हें अपनी शादी की बात बता दी, अब तुम कहो तुम्हें क्या कहना था। अरे मुझे भी तो तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी। अच्छा कब मिल सकते हैं उसे? सच? आई लव यू राज, आई लव यू। मी टू। उससे आज के आज मिल लेंगे। अरे आज के आज छोड़ो, अभी के अभी मिलेंगे।